हेलो गाइस, मेरा नाम है कपिल। आप देख रहे हैं टेक्निकल गेमर का चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये अभी थोड़े दिन हुए मुझे लिए हुए और अभी जो लेटेस्ट मॉन्टाज आई है इसी से रिलेटेड आई है। तो आज इसी की बात करते हैं कि भाई इसका सफ़र जो था मेरा बहुत स्ट्रगल वाला था। जो सफायर नाम का एक प्लगइन आप जानते होंगे, जब भी मैं मॉन्टाज एडिट करता था, जब भी मैं बोल रहा हूँ आपको, तो मतलब मैंने जितना सफ़र कराया ना गाइस, मैंने मतलब उसी प्लगइन में इतनी दिक्कत आती थी। जब छोटा एक क्रिएटर होता है तो उसको ये प्लगइन्स के पैसे नहीं होते, और मतलब 4GB रैम पे एडिट कर रहा था मैं i3 पे, तो मतलब मॉन्टाज रेंडर होने में जो टाइम लगता था, मैंने जितना वक्त अपना लगाया, शायद या तो मेरे घर वालों ने देखा या ऊपर वाले ने देखा, मुझे नहीं पता। मैं ऐसा खुद की तारीफ़ भी नहीं करूँगा। मैंने थोड़ी सी मेहनत लगाई थी और शायद ऊपर वाले ने देख लिया और ये चीज़ दी मुझे। इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा, इतनी अच्छी चीज़ मेरे पास होगी, और अब जब है तो लगता है कि मैं मतलब बहुत खुद को, मतलब खुद को यूँ समझता हूँ कि बस अब क्या कहूँ मैं इसके आगे। समझ रहे हो ना तुम यार, एक बार मतलब एक अलग सा है कि ये बीस्ट अब मेरे पास है। मतलब मेरे लिए पॉसिबिलिटीज़ खुल गई। मैं शायद ग्रो करूँ ना करूँ मुझे इतना नहीं पता है, मुझे ज़रूर ये ज़रूर पता है, पर अब जो भी मैं बनाऊँगा दिल से बनाऊँगा और मज़ा आ जाएगा। आप लोगों को जो मैं चाहता हूँ दिखाना वो आप देख पाओगे। पहले मेरा विज़न क्लियर था पर मैं उस विज़न को आप तक पहुँचा नहीं पा रहा था। मैं जो सोचूँगा वो आप तक मैं पहुँचा पाऊँगा। और अभी शायद आपको इस PC के बारे में इतना कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़े इसके सिनेमैटिक शूट करता हूँ और वो सिनेमैटिक आप आने वाली वीडियो में अभी आगे देखो। तो बस आज के लिए यही था यार, मैं बस ये बताना चाहता था मेरा नया PC रिवील। और इसके स्पेक्स मैं बता देता हूँ, AMD 3600X विथ 1650 4GB रैम। ग्राफिक कार्ड की रेट्स ऐसी थी तो ये लेना पड़ा। और 16GB रैम है और 512GB NVMe SSD, 2TB HDD और MSI का B450 Max 2 मदरबोर्ड है। 650W की पावर सप्लाई, एंड eSports का i5 11MT और 8 फैंस हैं अंदर। मतलब जो भी ग्राफिक कार्ड CPU सब फैंस मिला के 8 फैंस हैं। बाकी यू देखे तो एक पीछे फ़ैन लग रहा है डीप कूल का, ऊपर स्टॉक फ़ैन है और आगे 3 है 5 और एक एयर कूलर 6 है। और ग्राफिक कार्ड के जोड़े नहीं है जो उसकी कूलिंग के आते हैं, तो बाकी 8 फैंस हैं। मॉनिटर 27 इंच का है, 144Hz। और शायद आप लोग सोच रहे होंगे बस पैसा है भाई पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात कहूँगा, अगर आप मेहनत कर रहे हो ऊपर वाला देख रहा है, अगर आपने करी है दिल से मेहनत, मैंने मेरा दिल से समय लगाया है इस चीज़ में, तो ये जाके आया है। और मैं चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम और आगे बढ़ते जाएं। अभी 450 सब आज ही क्रॉस करें और मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी 500 भी क्रॉस कर लें। और 500 पे मैं कुछ अच्छा अनाउंस भी करने वाला हूँ आप लोग के लिए, और 1K पे गिव अवे है। तो स्टे ट्यून्ड और आप इंजॉय करो सिनेमैटिक्स।